हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। क्लास सेकंड मोनोपोली का लेकर आया हूं आपके साथ। बेटे, मोनोपोली फर्स्ट क्लास में हमने मोनोपोली के मीनिंग और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली मार्केट। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जाने से पहले प्यारे बच्चों डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे तो अकाउंट्स वाले बच्चे जानते हैं, शॉर्ट रन हम एक साल से कम पीरियड को बोलते हो, लॉन्ग रन एक साल से ज्यादा पीरियड को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझते हैं कि शॉर्ट रन क्या होगा और बच्चों लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन इज द पीरियड, शॉर्ट रन हम ऐसे पीरियड को बोलेंगे जहां पर प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे और प्रोडक्शन के बाकी फैक्टर्स क्या होंगे बेटे, वेरिएबल होंगे। तो जहां पर प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हो, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड वेयर द सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड एंड अदर बिकम वेरिएबल। और लॉन्ग रन इज द पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम व्हाट बेटे, वेरिएबल। जहां पर प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हो, लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन इज दैट पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम व्हाट बेटे, वेरिएबल। तो वो हमारे लिए क्या बन गए, लॉन्ग रन। अब मैं लाता हूं आपको इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है समझिए आप लोग बेटे। इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको दो कंडीशन समझना होगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के अंदर अगर आपने ये दो कंडीशन फुलफिल कर दिया तो आप समझिए कि आप इक्विलिब्रियम में हो। फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन। व्हाट बेटे, MR मस्ट बी इक्वल्स टू MC। मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। देयर आफ्टर आफ्टर इंटरसेक्शन मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हो। देखो डायग्राम समझो आप। सपोज करिए अभी हमने मोनोपोली का डिमांड कर लिया था, एवरेज रेवेन्यू कर लिया था और बेटे मार्जिनल रेवेन्यू कर लिया था, याद है ना। ये ऐसा आप मार्जिनल कॉस्ट कर बनाते हो तो पहला कंडीशन क्या बताया गया, MR MC के इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो। MR मस्ट इंटरसेक्ट विद MC। तो इस पॉइंट पे, E पॉइंट पे MR MC के इक्वल है। देयर आफ्टर सेकंड कंडीशन क्या बताई गई, आफ्टर इंटरसेक्शन MC इंक्रीज होना चाहिए। आप देख सकते हो आफ्टर इंटरसेक्शन MC इंक्रीज हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन रखा गया कि फॉर्म्स गेट इक्विलिब्रियम वेयर फर्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सेकेंड बेटे मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो MR MC के इक्वल इस पॉइंट पे है और इसी पॉइंट के बाद MC ने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब दो बातें हमने समझ लिया कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया। दूसरा हमने ये भी समझ लिया बच्चों कि हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कैसे करते हो। तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने की ये दो कंडीशन रखी गई। अब शॉर्ट रन के अंदर मैं बात करूंगा बेटे, शॉर्ट रन में अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इन शॉर्ट रन फॉर्म्स गेट थ्री डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट वन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड वन इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज नॉर्मल लॉस। इन शॉर्ट रन फर्म में गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इट मे गेट नॉर्मल प्रॉफिट और फर्म को लॉस भी शॉर्ट रन में हो सकता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर होगा वेयर AR इज ग्रेटर देन AC, जहां पर हमारे रेवेन्यू ज्यादा होंगे और हमारी कॉस्ट कम होगी। बेटे नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर होगा वेयर AR इज इक्वल टू AC, मतलब जहां पर आप जितनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं आपका कॉस्ट भी उतना ही होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग BEP भी बोलते हो, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हो, वेयर फर्म्स इज गेटिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई हमारी रेवेन्यू हमारे कॉस्ट के इक्विवेलेंट है तो क्या फर्म को प्रॉफिट हुआ, नो सर। क्या फर्म को लॉस हुआ, नो सर। तो AR AC के इक्वल होगा तो ये हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर फर्म इज गेटिंग नो प्रॉफिट नो लॉस।
थर्ड कंडीशन आपका होगा नॉर्मल लॉस। तो प्यारे बच्चों नॉर्मल लॉस के सिचुएशन में उल्टा आपके इनकम कम, रेवेन्यू कम और आपके कॉस्ट क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इनका मतलब क्या है, डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो पहले पॉइंट के अंदर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं, एआर और एसी यहां पे रखते हो आप आउटपुट, बेटे फॉर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, समझना जरा आप लोग। यहां तक तो मैंने पहले भी सिखाया आप लोगों को, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगी बेटे, जहां पर एमसी और एमआर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, नाम इसका ई रख लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस का डिटर्मिनेशन हमेशा एआर कर्व से होगा, एमआर कर्व से कभी भी प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। एज वी नो एआर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटे, प्राइस हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप देखो हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करें तो ऊपर से करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी जाएगा और ये प्यारे बच्चों प्राइस जाएगा। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को। अब आप देखिए हमने कंडीशन क्या पढ़ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और प्यारे बच्चों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर आएगा जहां पर फर्म की रेवेन्यू ज्यादा और फर्म का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो देखो बेटे फर्म के रेवेन्यू ज्यादा रखना और फर्म का कॉस्ट कम रखना है। देखिए ये पॉइंट आर पॉइंट रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस आर पॉइंट के रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट लेकर आना है। सपोज करिए मैं कॉस्ट कर्व इसके नीचे ऐसा लेकर आता हूं, एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व इस वाले क्वांटिटी वाले लाइन को यहां पे टच किया, यहां से एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए एस टी। तो देख सकते हो आप यहां पे जो एरिया ओ पी आर क्यू है वो आपका एवरेज रेवेन्यू का एरिया है, ये पूरा एरिया ओ पी आर क्यू रिप्रेजेंटिंग एवरेज रेवेन्यू। जो ए एस टी क्यू का एरिया है वो एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये शेडेड एरिया बच गया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटे, ये रिप्रेजेंट करेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। फिर से समझिएगा, जो हमने एवरेज कॉस्ट लेना है वो इस आर पॉइंट के नीचे लेना है अगर प्रॉफिट चाहिए तो। ये वाला एवरेज कॉस्ट कर्व इस लाइन को यहां पर टच कर रहा है, यहां से हमने ड्रॉ किया लाइन, ये यहां से नीचे कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, आर से नीचे रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका ओ पी आर क्यू इज द एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू, ओ एस टी क्यू इज द एरिया रिप्रेजेंटिंग एवरेज कॉस्ट। तो जो रिमेनिंग एरिया बच गया आपका पी एस टी आर रिप्रेजेंट व्हाट बेटे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। होपफुली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको समझ आ गया होगा। दूसरे तरफ चलता हूं मैं लेके आपको नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ बेटे। तो अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्मल प्रॉफिट का, इज दैट पॉइंट वेयर एआर इज इक्वल टू एसी, मैं इसी डायग्राम में आपको समझाऊं, तो ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व जाना चाहिए था वो एग्जैक्टली इस आर वाले पॉइंट से जाना चाहिए था, तो फॉर्म को कोई प्रॉफिट नहीं होती, फॉर्म को कोई लॉस भी नहीं होता, है ना। तो देखो ड्रॉइंग करते हैं दोबारा से, एक बार चीजों को समझो आप। एआर एसी आउटपुट बेटे, रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर कर्व, एमआर इज ऑल्सो डाउनवर्ड बट एमआर इज ऑल्सो डाउनवर्ड बट इट रिमेन्स बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व वैसा ड्रॉ करते हो, तो वेयर एमआर एंड एमसी इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये आपका क्वांटिटी डिटरमाइन हुआ, ये आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ, ये पॉइंट आर है। तो ओ पी आर क्यू ये क्या रिप्रेजेंट करता, ये एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हमें कॉस्ट आर पॉइंट पे रखना है या इसके ऊपर रखना या इसके नीचे रखना, देखो आर से नीचे अगर आप कॉस्ट रखते हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, आर के ऊपर अगर रखते हो तो लॉस हो जाएगा, और एग्जैक्ट आर पॉइंट पे रखते हो तो ये हमारे लिए क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन होगा। तो हमें कॉस्ट आर पॉइंट पे लेके चलना है, ये एवरेज कॉस्ट है आपका,
अब आप देख सकते हो यही एरिया सेम एरिया आपका रिप्रेजेंट एआर भी कर रहा है और यही सेम टू सेम एरिया आपका एसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स। तो यहां से आप बोल सकते हो कि फर्म इज गेटिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे लाता हूं, नॉर्मल लॉस पे लाता हूं आप लोगों को। तो अगर नॉर्मल लॉस की बात करेंगे तो नॉर्मल लॉस पे एआर कम एसी ज्यादा, ऐसे डायग्राम फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, जीरो एक्सिस एआर एसी आउटपुट। अगली बार आप भी ट्राई करना कि जब आप मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आप एक नोटबुक रखे और हैंड साथ के साथ आप डायग्राम साथ के साथ बनाओ तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। वरना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो बाबा जी का प्रवचन सुन रहे हैं, कर लेंगे बाद में, वो बात कभी होता ही नहीं है। याद है आपको ये चीजें मैंने हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा था, ये बीकॉम में भी पढ़ा था, एमकॉम में भी पढ़ा होगा, लेकिन चीजें हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो एआर ये तो हर जगह मैंने सेम बनाया है ना बच्चों, ओ पी आर क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ रेवेन्यू ज्यादा दिखाना या कॉस्ट ज्यादा दिखाना? सर कॉस्ट ज्यादा दिखाना तभी तो लॉस होगी। तो लो बेटे कॉस्ट को इस आर पॉइंट के ऊपर से दिखा लो, लो एवरेज कॉस्ट कर एस टी। तो ये ओ एस टी क्यू जो एरिया बनाया ये एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो बचा हुआ शेडेड एरिया है पी एस टी आर, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस का एरिया हो जाएगा। तो ये तो था शॉर्ट रन की बात किया मैंने कि इन शॉर्ट रन फर्म में गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इट में गेट नॉर्मल प्रॉफिट और फर्म को शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपने शॉर्ट रन के अंदर पढ़ा। अब लॉन्ग रन में क्या होगा? इन द लॉन्ग रन फर्म इज गेटिंग ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बेटे लॉन्ग रन में फर्म को कोई नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन नहीं होगा, फर्म को कोई लॉस भी नहीं होगी। तो इन लॉन्ग रन क्या होने वाला है? लॉन्ग रन के अंदर मैं अगर बात करूं तो इन लॉन्ग रन फर्म में गेट ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लॉन्ग रन की बातें करेंगे बेटे तो इन लॉन्ग रन फर्म विल गेट ओनली व्हाट बेटे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन क्या? हम कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहे हैं अभी फिलहाल? मोनोपोली। इज दैट मार्केट सिचुएशन, दैट मार्केट स्ट्रक्चर वेयर न्यू फर्म कैन नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री। नया फॉर्म तो बेटे इंडस्ट्री के अंदर आ ही नहीं सकता, आपने आर्टिफिशियल या नेचुरल उसके ऊपर बैरियर लगा दिया है। या तो आप बहुत एफिशिएंट हो या आपको गवर्नमेंट ने बहुत एफिशिएंट बना दिया है, तो नए फॉर्म को तो आप आने नहीं देंगे। तो बचा कौन? हम इकलौता बचे इंडस्ट्री के अंदर, हम ही फॉर्म है, हम ही इंडस्ट्री है। तो इस सिचुएशन में लॉन्ग रन के अंदर हमें कोई लॉस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन क्या लिखेंगे? फर्म लॉन्ग रन के अंदर नए फर्मों के एंट्री पे बैरियर्स है, न्यू फर्म कैन नॉट एंटर इन द लॉन्ग रन, सो इन लॉन्ग रन फर्म विल गेट ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक और काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एसी के आगे एल लगा देंगे, हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एमसी के आगे भी एल लगा देंगे, बन गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। डायग्राम आपका सेम रहेगा। ठीक, होपफुली चीजें आपको समझ आया है। जो आपके डाउट्स हो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखे, हमारे फोन नंबर भी आपके पास है, वहां भी आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।